हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1200 स्क्वायर फुट में आपका रॉड कितना लगेगा। दोस्तों, ये आपका 30 फीट में चौड़ाई में है और 40 फुट इसमें लंबाई में है। ये 1200 स्क्वायर फुट का छत है, इसमें रॉड कितना लगेगा आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में साथ में ये भी बताऊंगा मैं जो आपको इसमें सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना लगेगा, सारा इस वीडियो में बात करेंगे। अब वीडियो को देखते जाइए। दोस्तों, ज़्यादातर घर पर 10 mm और 8 mm का यूज़ करते हैं छत में। हमारे यहाँ पर भी इस तरह से 10 mm और 8 mm का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मिनिमम दो रॉड के बीच में 5 इंची गैप नहीं रखना है। ज़्यादातर आदमी 6 इंची रखते हैं, लेकिन आपको 5 इंची रखना है। और पहले आप मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद आपको रॉड को फंसाना है। जैसे कि आपको पता होगा जो छोटा एरिया में जो छोटा होगा एरिया उसमें आपको 10 mm रॉड जाएगा और जो बड़ा एरिया आएगा उसमें आपको 8 mm का आएगा। इसमें आपको जो छोटा एरिया होगा उसमें आपको 10 mm फंसाना है। देखिए यहाँ पे ये 10 mm का रॉड पहले फंसा जा रहा है। मेन बार जो आपको मेन बार कहते हैं उसको 10 mm पहले फंसाएगा, उसके बाद आपका 8 mm का ऊपर से ऊपर वाला बार 8 mm को फंसाएगा। देखिए इस तरह से आपको फंसा लेना है। उसके बाद आपको इसका जो कैरिंग जो होगा उसके साइज आपको निकाल लेना है। कैरिंग आपका रूम कितना है, क्या हिसाब से कैरिंग आएगा, L/3 के हिसाब से, L/4 के हिसाब से, 1/2 कैरिंग, 2/2 कैरिंग, जो भी आएगा आपका रूम का हिसाब से वो आप निकाल लीजिएगा पहले, उसके बाद बाइंडिंग कीजिएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो दिखाया जाता है पहले हम लोग साइड पे करते हैं, उसके बाद आपके पास लेके आते हैं वीडियो। जैसे कि आप सेफ्टी टैंक का वीडियो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा शायद, RCC पिलर कास्टिंग करने में कितना खर्चा आएगा, सेफ्टी टैंक बनाने में कितना खर्चा आएगा, सारा जो बताया गया है वो हम लोग साइड पे करने के बाद तभी जाके आपको पास वीडियो लेके आता हूँ, बताता हूँ कितना खर्चा आने वाला है। अगर आपको सेफ्टी टैंक और RCC पिलर का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको अच्छे खासे आइडिया आपको आ जाएगा RCC पिलर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है और साथ में सेफ्टी टैंक बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। और इस ये जो छत की जो ढलाई होगा इसको इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो इसमें आपको कितना खर्चा आने वाला है 1200 स्क्वायर फुट छत में, जो आपको लेबर मटेरियल जो सारा खर्चा कितना आने वाला है उसका लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी बताया जाता है हम लोग साइट पर करने के बाद ही बताते हैं आपको। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरा वीडियो में ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ और अच्छे से दिखा सकूँ किस तरह से आपको हाउस कंस्ट्रक्शन करना है और किस तरह से करने से आपका घर जो है मजबूत बनेगा, वही मेरा कोशिश रहता है वीडियो के द्वारा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप स्लैब की रॉड बाइंडिंग करेंगे आपको दो रॉड के बीच में 5 इंची गैपिंग रखना है और जो छोटा हिस्सा होगा उसमें आपको मेन बार 8 mm 10 mm का बार आपको पहले फंसाना है, उसके बाद 8 mm का फंसाना है, उसके बाद आपको कैरिंग जो हो वो हिसाब से कैरिंग निकाल लेना है, उसके बाद आपको बाइंडिंग करना है। दोस्तों, ये जो भीम बाइंडिंग किया है इसका रॉड हमने ऐड नहीं किया है, आप इसके लिए 1000 kg एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा 16 mm और 12 mm का। और इसमें जो छत के रॉड के बारे में बात करेंगे तो आप छत में आपको 10 mm का लगेगा 534 kg का, 10 mm लगेगा आपका 534 kg आपको 10 mm लगेगा। और 8 mm का बात करेंगे तो 8 mm का आपका लगेगा 8 mm का आपका 342 kg आपको 8 mm का लगेगा। और इसके पीस के बारे में बात करेंगे, 10 mm का पीस लगेगा आपका 72 पीस आपका 10 mm का लगेगा।
और 72 पीस आपका ATM का लगेगा, 72 पीस आपका ATM का लग जाएगा आपका इसमें 1200 स्क्वायर फुट में, और आपका 10 AM का, 10 AM का आपका 72 पीस लग जाएगा। और साथ में बाइंडिंग वायर की बात करेंगे तो बाइंडिंग वायर आपका 25 kg लाएगा, और सैंड सीमेंट एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे तो आप मैक्सिमम पकड़ लीजिएगा, मैक्सिमम आप गिट्टी पकड़ लीजिए आपका एग्रीगेट जो गिट्टी होता है वो आप मैक्सिमम आप पकड़ लीजिएगा 550 सेफ्टी आपको गिट्टी लगेगा 1200 स्क्वायर फुट छत डालने में, छत के ढलाई में। और सैंड बालू की बात करेंगे तो बालू आपका लग जाएगा 275 सेफ्टी। और सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट आपका लग जाएगा 95 बैग, लेकिन आप 100 बैग मंगा लीजिएगा, अभी गर्मियों के मौसम है इसमें आपका मसाला जो है ज़्यादा जल्दी सूखने लगते हैं, तो इसमें आपको सीमेंट का घोल बना के आपको उसमें देने के लिए आपको 5 बैग जैसे एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब 100 बैग मान के चलिए, 100 बैग आप मंगा लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा जो 1200 स्क्वायर फुट में आपको लेबर और मटेरियल लेके आपको कितना खर्चा आने वाला है, और टोटल में लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा ये ढलाई के बाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और छत के ढलाई में गिट्टी कौन सा यूज़ करना है और उसका भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह का गिट्टी आपको यूज़ करने से आपका जो छत है वो मजबूत बनेगा। और मसला का रेशियो तो आप लोगों को पता है, M20 ग्रेड का मसला यूज़ करना है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा M20 ग्रेड यूज़ कीजिएगा, तभी जाकर आपका छत जो है और मजबूत बनेगा। और मिनिमम आपको 5 इंची आपको छत ढलाई करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है।